किसान आंदोलन के चलते करनाल के इंद्री में भाजपा और जेजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इंद्री हलके के 9 गांव के किसानों ने पहले ही इनका बहिष्कार कर दिया है। अब इसी श्रेणी में गांव गढ़ी साधान भी जुड़ गया है। यहां पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने एकत्रित होकर एक मीटिंग कर अपने गांव में बीजेपी व जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करके गांव में घुसने पर रोक लगा दी है। बता दें कि यह फैसला उपस्थित सभी ने एकजुट होकर लिया है। गांववासियों ने एक बैनर भी गांव के मुख्य द्वार पर लगाया, जिसमें लिखा है कि बीजेपी व जेजेपी नेताओं का गांव गढ़ी साधान में आना मना है। किसानों ने बताया कि देश के किसान इतनी भारी संख्या में पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। लगभग 100 से भी ज्यादा किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन सरकार ने उनके प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार अपने इन तीनों काले कानूनों को वापस लेकर किसानों के चेहरों पर खुशी लाने का काम करे। सरकार किसानों के हक में कोई बात नहीं करती है। सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी ताकि किसान आपस में बात भी ना कर सके। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो रूट किसान नेताओं ने मांगा था वो उनको नहीं दिया गया, इसी के कारण ये सारा उपद्रव हुआ है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी के लोगों का किसानों को समर्थन प्राप्त है। करमजीत सिंह ने कहा कि सभी गांववासी एकजुट होकर बीजेपी व जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार कर रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति इनका साथ देता है तो उसका पूरा गांव खिलाफत करेगा। सिधान निवासी सरदार करमजीत सिंह अपने गांव गढ़ी सिधान की तरफ से मैं पूरे आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि मेरे गांव की तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि आज से बीजेपी और जेजेपी से हमारे गांव का कोई भी नाता नहीं है, और कोई भी हमारे गांव का आदमी जेजेपी और बीजेपी का गांव में एंटर नहीं करने देगा। अगर किसी ने कोई ऐसा कोई की है हरकत तो पूरा गांव उसके खिलाफत करेगा, पूरा गांव इकट्ठा होकर बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन चला है जी, और किसान जो अन्नदाता है वो उसको खत्म करने का मिटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए गांव गढ़ी साधान ने इसका बहिष्कार किया, बीजेपी और जेजेपी का, और सभी ने किसान एकता के साथ किसान का समर्थन किया, अन्नदाता का समर्थन किया, और सभी साथ हैं गढ़ी साधान के वासी, और सबका समर्थन भवर किसान समर्थन के साथ, किसान आंदोलन के साथ, और पूरे गाँव गढ़ी साधान साथ है। 36 बरादरी लेकिन 36 बरादरी हर छत्तीस बरादरी का जो वर्ग है वो सब किसान है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात को पहुँचाया जाए और इन काले कानूनों को वापस करें, ख़त्म करें, और MSP जो है हमारी वो जारी गारंटी के साथ रहनी चाहिए। हम यही निंदा करते हैं और इसी करके बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार कर किसान मजदूर एकता जिंदा। तरफ से 36 बरादरी के लिए सरकार से अपील करता हूँ कि अपने काले कानून वापस लें, और जो किसान इतने दिन से 70 दिनों के करीब से मोर्चे पे बैठा हुआ है उनकी मांगों को मानते हुए काले कानूनों को वापस लेके किसानों के चेहरे पे कुछ खुशी दे। वो 3 महीने से 2.5 महीने के करीब हो गए ठंड में बैठा है, आप रजाइयों में बैठ के बातें करते हो, लेकिन किसान कितने मर गए, आज तक सरकार ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। उनके नीतियाँ बताती हैं कि वो किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। ये मजदूर किसान कहाँ जाएंगे जब ये ज़मीनें ही नहीं रहेंगी इनके पास, ये रेट किससे मांगेंगे? जैसे बिहार का मजदूर यहाँ पे दिहाड़ियाँ करने आते हैं, यहाँ के मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? विदेशों से हमारे बच्चे जो पैसा भेजते हैं उसको बताते हैं ये खालिस्तानी फंडिंग भेज रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं, वहाँ कमाते हैं पैसा, यहाँ भेजते हैं, तो उसमें उनका कसूर क्या है? यहाँ हमारे बच्चे हैं वो पैसा नहीं भेजेंगे, किसको भेजेंगे? उस सरकार को ये नहीं पता कि जो बच्चे वहाँ से डॉलर भेजते हैं वो हमारे देश की बाहर विदेशी मुद्रा भी बढ़ती है। अगर उन भेजने बंद कर दिए तो मुद्रा भंडार हमारे देश का कम हो जाएगा, कहाँ जाएगा? ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन किसानों के हक में एक भी बात आज तक ना तो मोदी ने की, ना उनकी नुमाइंदे ने की। सरकारी मीडिया जो बैठा है ऊपर, बड़े बड़े भी ये चैनल है, वो सारे सरकार के हैं। और मैं अपने जो हमारे लोगों ने मोर्चा ये अपना चैनल बनाया था, सरकार ने उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी ताकि किसान आपस में भी कोई बात ना कर सके, संवाद ना कर सके। हमारे जो लीडरों ने उस दिन मोर्चा किसान उस रैली के लिए समय मांगा, रूट मांगा, वो रूट नहीं दिया गया, दूसरे रूट दिए गए, तभी ये उपद्रव हुए। वो सारा ऐसा हो गया जैसे एक फिल्मी सीन था, आदमी गए जाके झंडा चढ़ा के उतर के वहाँ से आ गए और भाग भी गए, किसी को पकड़ा भी नहीं गया, पता भी नहीं आज तक कहाँ है, और जिनको पकड़ा गया उनके बारे में आज तक कोई खुशखबर भी नहीं है।
तो ये सबको जानकारियां दी जाए, कौन बंदे हैं, कहां से हैं, किसको पकड़ा है, तो ये तो जानकारी किसानों को चाहिए, तभी ये हमारा किसान के खिलाफ लड़ाई सरकार के खिलाफ चलेगी। हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से यही बार बार निवेदन है कि किसान की लड़ाई को शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे हम आंदोलन कर रहे हैं वैसे इसको शांत करके, मांगे मान के इनको घर जाने के लिए इनसे शुक्रिया करके घर जाने दें। तो पूरा पक्का पूरे देश में जैसे हमारे डिकैत साहब ने आह्वान किया है वो पूरा सफल होगा और पूरी मजबूती से सफल होगा, पूरा देश चक्का जाम होगा। 12 से 3 की उन्होंने अपील की है, 12 से 3 के बीच में ही होगा, उसके ना पहले होगा ना उसके बाद होगा। जैसे वही जुमले वाली सरकार है, वही जुमले ये पेश कर रही है, इनका कोई इरादा नहीं है, कोई वैसे नहीं है, इन्होंने 11 मीटिंगें कर ली हैं, मीटिंगों में वही बात आती है कि आप हमने ये 3 मांगे मान ली, क्या मान ली, 3 ही तो मांगे किसानों की है, वही अब तक माननी नहीं है। इंद्रजीत सिंह गढ़ी सदान तहसील इंद्री। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.